ओके सो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक हैं, फिट हैं? एक नई शुरुआत करते हैं कंप्लीट बॉटनी की, और इस पूरे सेशन में हम लोग लिविंग वर्ड जो पहला चैप्टर है बिल्कुल वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। चीज़ों को सिंपल फॉर्म में समझने के लिए मैंने इसको एक स्लाइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर वो इसको बहुत ही ध्यान से देखे, बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि पॉसिबिलिटीज़ आपकी इस चैप्टर को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन पाए, है ना? चलो, तो कुछ बच्चे आ भी गए हैं और बाकी बच्चों को भी आप बुला सकते हैं। हमें इस नए सेशन के लिए, आज मेरी पहली क्लास आप लोगों के साथ इस चैनल पर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कंटेंट को बहुत ही बारीकी के साथ में आप समझें। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो ना केवल कंसेप्चुअल है, साथ साथ में ये एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर करता है। तो आप अगर सिर्फ इस कंटेंट को जो मैंने स्लाइड के फॉर्म में आपके सामने रखे हुए हैं ये भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड और बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर में तीन चार चीज़ों को आपको समझना होगा, है ना, प्रॉपर तरीके से। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कैसे स्टडी करें, कैसे क्लासिफाई करें, क्या मेथड है, किस बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोल सकते हैं, और अगर ये भी हमें समझ में आ गया तो हमारे पास कुछ टैक्सोनॉमिकल की होते हैं जिनको हम आसानी से समझेंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं। रही बात मेरी, तो अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अनुराग तिवारी है, आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और अकेडमी पर पढ़ाते हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं, और अदरवाइज पिछले 7-8 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी ने आप सारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आपके पास न केवल YouTube का फ्री प्लेटफॉर्म है, आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। जैसे मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच का नाम है टाइटन्स बैच। बैच की खास बात ये कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही एजुकेटर्स हैं, और जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और एक अच्छी चीज़ ये कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कब से स्टार्ट होगा? इस वेंसडे से। वेंसडे से स्टार्ट होने का मतलब हम हर वीक एक नया बैच लेकर आ रहे होते हैं, और एक नई शुरुआत के साथ में। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। एक पहले से मेरा बैच ऑलरेडी चल ही रहा है जिसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको जो बॉटनी पार्ट है वो करवा रहा हूँ। मेडिको बैच है, 2022 वाला बैच है, इसमें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसके साथ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और भी कई बैचेस हैं जिनमें आप जुड़कर अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप एक बार भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरे कोड से यूज़ करें आप, और तो आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहे हैं। अब उसके साथ साथ में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स हैं और एक अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ में हैं, जिन्होंने खुद ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। साथ साथ में आपकी सारी क्लासेस पूरी तरह से इंटरैक्टिव लाइव होती हैं बच्चों, लाइव टेस्टिंग एंड क्विजेज होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज व्हाट, आपको हर क्लास के बाद में पीडीएफ मिलेगी। तो ये मेरे साथ में तो ज़रूर है कि यूट्यूब की क्लास हो, चाहे प्लस की क्लास हो या फिर स्पेशल क्लास हो, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं चीज़ें देता हूँ। बट अगर आपको इसका प्रिंटेड कंटेंट चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट दिस, तो आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है और ये प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर के तक आएंगे। करना कुछ भी नहीं है, बस ये कोड इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कोड का सीधा सा फायदा बच्चों आपको ये मिल रहा है ना, कि आप सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। फिर भी अनअकैडमी में किसी भी तरह का असिस्टेंस चाहिए, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कॉल कर लें। तो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, एटी सर कोड यूज़ कर लें। आई होप मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी, और अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपकी सिलेक्शन की तरफ बढ़े, है ना। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के सिलेक्शन के लिए होनी चाहिए, बजाय किसी और चीज़ के। कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, अनमोल है, तेजपाल है ना, आदि है।
तो सपना आ चुकी है, तो कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे और उसी हिसाब से हम अपनी फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो तो चीज़ें शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए, और जो भी आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। हर चीज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से समझेंगे, है ना? अच्छा चलो, अब ध्यान से सुनना चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, है ना? मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, पहली चीज़, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग क्यों कह रहे हैं? मान लो मेरे पास एक, आप ग्रोथ की बात जैसे करते हैं ना, आप ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, तो सपोज मान लो मेरे पास एक पहाड़ है ना, मैं 1 मिनट कलर चेंज करूँ इसका, मान लो मेरे पास एक बड़ा पहाड़ है ऐसा, राइट? इसके ऊपर बर्फ जम गई, इसके ऊपर बर्फ जम गई, क्या इसकी हाइट बढ़ी क्या बच्चों? क्या इसकी हाइट बढ़ी, यस और नो? तो अगर हाइट बढ़ गई है ना, अगर हाइट बढ़ गई है, कहानी को समझना, कहानी को बहुत ध्यान से समझना, तो हाइट बढ़ी का मतलब क्या हुआ? हाइट बढ़ने का मतलब क्या ये लिविंग हो गया? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो जब भी ग्रोथ की बात करें तो वो इंटरनल ग्रोथ कहलाती है ना। ग्रोथ की बात करें तो वो क्या होती है बच्चों? इंटरनल ग्रोथ होते हैं। एक तो ये चीज आपको समझनी होगी जल्दी से जल्दी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या? लाइफ किस किस चीजों पर डिपेंड करती, कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रोथ और मतलब लाइफ को डिफाइन कर रही होती है? क्योंकि हम लिविंग वर्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किन की वजहों से हम जिंदा हैं, हमारे अंदर सच में लाइफ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। अभी समझेंगे, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, हम चीज़ों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं ना, रिस्पॉन्सिवनेस। हम एडॉप्टेशन डिफरेंट नए एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, और हम अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को भी प्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वंदना है ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को और प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ में इतनी चीजें होनी चाहिए। तो लिविंग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए भाई? वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म बना सके, यस और नो? वो इवॉल्व हो सके, अपने आप को रेगुलेट कर सके इन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब क्या है? मान लो बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अभी क्या हो, हम स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे ताकि हम अपने आप को उस टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा कर सकें, यस और नो? अगर बाहर बहुत गर्मी है तो हम स्वेटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर ठंड है तो हम स्वेटर पहन लेंगे, यस और नो? इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस, एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये बातें भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, कोई डाउट नहीं, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात लगाओ। तो जब इतनी चीज़ें आपके पास हैं, इतनी चीज़ें आपके पास हैं प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो प्योर प्रॉपर्टीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि प्योर प्रॉपर्टीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारे पास वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्क्रीन पर बिल्कुल सामने दे रखी हैं बातें, और आपको इसको नोट्स में भी रखना पड़ेगा, आपको इसको नोट्स के फॉर्म में भी बनाकर रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो यहां पर की गई है बच्चों, वो ग्रोथ के बारे में, वो किसके बारे में है? ग्रोथ के बारे में। तो चीज आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आ जानी चाहिए अभी कि ग्रोथ एग्जैक्टली क्या है, समझेंगे? दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई, एक ऑर्गेनिज्म अगर नया नहीं बनाएगा अपने जैसे, तो वो कैसे काम कर रहा होगा? दूसरी चीज ना। तीसरी बात, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसका मतलब जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
मेटाबॉलिज्म। एक और इस बात को भी समझें, है ना, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझें कि मेटाबॉलिज्म अगर है तो सब कुछ है ना, मेटाबॉलिज्म अगर है तो सब कुछ है। बॉडी में केमिकल रिएक्शन के बिना तो कुछ होता ही नहीं, एक बात। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो हैं वो बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता, चाहे वो एक ही सेल से बना क्यों ना हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्शियसनेस, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मान लो सडनली लाइट चली गई तो व्हाट आई विल डू इज, मैं वैसे तो आजकल घरों में इन्वर्टर होते हैं, बट अदरवाइज मैं क्या करूँगा, कैंडल जला लूँगा या फिर कुछ भी ऐसी रोशनी वाली चीज़ें ताकि उजाला रहे, कोई गिर ना जाए, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये कॉन्शियसनेस है कि आप चीज़ों को है ना समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को उसी तरह से समझ पा रहे हैं और उस पर वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वैसी ही चीज़ें हम उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होंगी। सबसे पहली बात करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, और मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट भी करें, इनको नोट भी करें, क्योंकि ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप सिस्टमैटिक इस चीज़ को फॉलो कर गए तो इस कंटेंट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगी। मैं आप लोगों को पैरेलल में इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी सॉल्व कराता हुआ चलूँगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको स्लोली स्लोली मिल जाएंगे, डिपेंड्स कि रिस्पॉन्स बच्चों का किस तरीके का आ रहा है। और कल से आप लोगों को हर टॉपिक के साथ में उसके एमसीक्यूज, जैसा कि मैं ऑलरेडी जो है नीट रैंकर चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने कल किया है और आज शाम को 8 बजे क्लास, 8:30 बजे क्लास है वहाँ पर, तो ज़रूर से ज़रूर सारे बच्चे वहाँ भी मिलेंगे मुझे। काम की बात समझे, जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो ग्रोथ का मतलब क्या है, मतलब बॉडी बड़ी हो गई सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रोथ का मतलब है या तो आप नंबर को इंक्रीज करें या फिर मास को इंक्रीज करें, है ना। क्वेश्चन वंदना पूछ रही है, सर नोट्स कैसे बनाएं। बेटा जी दो चीज़ें है ना, हाँ इसकी स्पेशल क्लास होगी और इसकी डेली स्पेशल क्लास सुबह 11 बजे हुआ करेगी, है ना, 11 AM, ठीक है ना, सुबह 11 बजे इसकी स्पेशल क्लास हो रही होगी, तो आप वहाँ पर मिल सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके आना। इस कंटेंट का नोट्स मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो सुबह 11 बजे अभी, मतलब 7:30 से 8:30 रोज 1 घंटे लगभग पढ़ेंगे हम, और उसके बाद आप अपना जो भी बाकी का शेड्यूल है वो फॉलो करें, और इसके बाद मैं इसके आपको स्पेशल क्लासेस में आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। कोई भी सेल जो है ना, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना। और वंदना मैं इसका PDF शेयर करूँगा, तुम उस PDF से नोट्स बना सकते हो, या पैरेलल में नोट्स बनाने का अलग ही मज़ा हो, क्यों, आप समझते भी रहते हो, आप लिखते भी रहते हो, तो दिमाग एक्टिव रहता है। तो क्लास के ड्यूरेशन में जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसको इस अच्छा प्लस PDF भेज दूंगा, ताकि कुछ छूट गया, कुछ अपनी तरफ से बाद में ऐड करना हो, हड़बड़ी में नहीं कर पाए, तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो नंबर और मास किसी भी सेल का इंक्रीज हो जाए, कैसे इंक्रीज होता है, हमेशा दे रिक्वायर सेल डिवीजन, ऑटोमेटिक तो जैसी कोई चीज़ होती नहीं, तो 1 से 2 बने, देखो 1 से 2 बने, है ना, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, पॉसिबिलिटीज देख रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रोथ किस में कितने दिनों तक होता है, पहली चीज, प्लांट में ये थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, मेरी बात समझ पा रहे हैं, प्लांट में बच्चों ये चीज़ पूरी लाइफ चलता रहता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, मेरिस्टमैटिक टिश्यू के पास डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है, ये बात क्लियर, डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बात। अगली बात समझिए, एनिमल्स में क्या होता है,
एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज, क्या वर्ड यूज किया भाई, हमारी ग्रोथ कब तक चली? 18 साल के बाद लंबाई बढ़ना कम होगी। अब वो अलग बात है कि कोई मोटा होता जा रहा है, एक अलग कहानी। और एनिमल सेल में है ना, ग्रोथ होता है एक लिमिटेड एज तक, और उसके बाद जो सेल डिविजन्स हो रहे होते हैं दे आर मेंट फॉर रिप्लेसिंग लॉस्ट सेल या ओल्ड सेल या रिपेयरिंग ओल्ड सेल। यस और नो, जो डेड होते जाते हैं उनकी जगह पर नए सेल्स आते जाते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन रिप्लेसमेंट के लिए होते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज। दोनों में फर्क देख रहे हो ना, एक में मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं हालांकि उसमें परमानेंट भी होते हैं, बट उसकी ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है प्लांट के अंदर, पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। मेरी बातें बच्चे समझ पा रहे हैं? हाँ या ना, मेरी बातें समझ में आ रही? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ग्रोथ, एक दो वर्ड में बोल रहा हूँ, दो वर्ड को प्लीज नोट करेंगे सारे बच्चे, जरूर से जरूर नोट करें सारे के सारे बच्चे। क्या एक वर्ड है डिफाइनिंग फीचर? क्या डिफाइनिंग फीचर है ना? एक मिनट रुकना, मैं जरा इस्तेमाल करता हूँ अपने कुछ शक्तियों का, शक्तियाँ मतलब राइटिंग पैड में इसमें वो कर देता हूँ। बस एक मिनट। मुझे एक चीज बताना, मुझे एक छोटी सी चीज बताना सारे बच्चे, कि अगर अगर है ना, हम बात कर रहे हैं कहाँ की, सुनना, हम एक डिफाइनिंग फीचर की बात करें, डिफाइनिंग फीचर ना, और एक वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक वर्ड याद, क्या यूज कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट? अच्छा नहीं, आज की आपको शाम वाली क्लास बच्चों आपको प्रॉपर बोर्ड पर ही मिलेगी, सो डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। बातों को बस समझो, है ना, बातों को समझें। जब मैं बात कर रहा हूं तो ग्रोथ तो हमेशा मैंने बोला मास है या फिर साइज है, इंक्स का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन टेक्निकली आप देखें तो एक बड़ा माउंटेन है और उस पर बर्फ जम गई, जो मैंने शुरुआत में बात की आप लोगों से, तो ग्रोथ तो इसकी भी हो गई। अब इसकी हाइट बढ़ गई, आया ना, इसकी हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी बच्चों? तो इट इज ड्यू टू बट एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एंड इट इज ड्यू टू वॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ या ना, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग मतलब जो उसको डिफाइन करता, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। यस इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि हाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? तो आंसर इज नो। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हाँ, आंसर इज यस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, हाँ होती है, इसलिए ग्रोथ जिसमें हो रही है उसको लिविंग बोल दिया, एक बात। लेकिन जो ग्रोथ हो रही है किसी के अंदर वो लिविंग ही है, डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, आंसर इज नो। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये वर्ड याद रखिए। तो सर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें भी ग्रोथ होती, कैसे डिफाइन करें? देयर ग्रोथ इज ऑलवेज फ्रॉम वॉट? हाँ जी, देयर ग्रोथ इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड। इतनी बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई? इतनी बातें कितने बच्चों को सिस्टमैटिक समझ में आ रही कि हाँ सर ये बात समझ में आई? यस और नो, चैट बॉक्स में जल्दी से यस करके टाइप करें। तो इसका मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं बट नेवर एवर डिफाइनिंग फीचर, कभी भी नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ है ना, ग्रोथ इनसाइड हो रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आंसर इज यस। तो इनसाइड ग्रोथ या ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज व्हाट? यस ऑफ कोर्स, डिफाइनिंग फीचर। लेकिन नॉर्मल ग्रोथ वर्ड यूज करेंगे तब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। इनसाइड ग्रोथ की बात करें, अंदर से जो ग्रोथ हो रही है उसको ही हम हमेशा लिविंग की प्रॉपर्टी बोलेंगे। चलो वंडरफुल, कुछ बच्चों को समझ में आ गई बात।
अगली चीज समझो, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, ठीक है, जितने क्वेश्चन को, ये मेरे सेंटेंस को ध्यान से समझ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर आपको रिप्रोडक्शन मिलता है ना, या रिप्रोडक्शन मिलता है अगर किसी में, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन है तो वो लिविंग कहलाएगा। दो स्टेटमेंट है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना और आप आंसर देना मुझे। इस बार एक क्वेश्चन आया था ना वो एसर्शन रीजन का, तो मैं आपको एसर्शन बोल रहा हूं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप एक मिनट वेट, ये मैं बी लगा देता हूं, इसको मैं बी लिख देता हूं। और चलो बच्चों इसको बताओ ए। एसर्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म हैविंग रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज लिविंग, दिस इज वॉट एसर्शन। और रीजन में मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव रिप्रोडक्शन। आंसर आपका क्या जाएगा, ए बी सी या डी। जिस भी बच्चे को एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं वो आंसर अभी बता सकता है। जल्दी से बोलो, दोबारा बोल रहा हूं, ऑर्गेनिज्म हैविंग रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज लिविंग, ये एसर्शन है। रीजन में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव रिप्रोडक्शन, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मजा आएगा। आंसर ए, सुरेंद्र ने बोला ना 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 ना, और दिमाग लगाओ और ट्राई करो, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ये भी गलत। वंदना ने बोला बी, ये भी गलत। आंसर इज सी, कभी भी असर्शन रीजन में सी का मतलब पता है तुम्हें, एनी ऑर्गेनिज्म हैविंग रिप्रोडक्शन आर लिविंग, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन मिल रहा है तो कंफर्म है लिविंग है। आप पेन में तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना, तो ये एसर्शन तो पूरी तरह से सत्यवचन है। बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता, वर्कर भी एक्सेप्शन है, म्यूल एक्सेप्शन है, इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो भी तो एक एक्सेप्शन है, येस और नो। तो ये रीजन गलत, तो एसर्शन सही रीजन गलत, तो आंसर विल बी सी। मेरी बात किसको किसको समझ में आ गई, मेरी बात किसको किसको समझ में आ गई, हाँ जी किसको किसको समझ में आई मेरी बातें, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मिल रहा है वो तो पक्की बात है लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन सबके अंदर मिले ये कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो अगेन मैं बोल दूं, है ना, याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन बातें समझ में आ गई, नहीं बेटा तूने, है ना, उल्टा लिखा हुआ बेटा, तेरा नाम भी जो है हेलीकॉप्टर तूने लिख रखा है अपना नाम, ध्यान से सुनो ना, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, तो मैं कहूंगा ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है बट नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर। मेरी बातें समझ में आ रही बट नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये मेरी बात समझ गए बच्चों, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, एक मिनट, आज 2 अक्टूबर है ना,
मैं तुम्हारी टाइमिंग लगा रहा हूँ 11:10 पे, मॉर्निंग में 11:10 में, सुबह अभी है ना, तुम्हारी स्पेशल क्लास है इसी चैप्टर की, मैंने स्पेशल क्लास लगा दी। डन है, तुम्हारी क्लास पब्लिश कर दी, बस वही क्लास लगा रहा था। सुनो अब मेरी बात, अगली बात, मुझे याद आया कि 3 घंटे पहले ही लगा सकते हैं, अदरवाइज आपकी स्पेशल क्लास लग नहीं पाएगी, तो मैंने इसकी स्पेशल क्लास लगा दी है। टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है, तो सारे बच्चे पूरा ही पढ़कर आएंगे, बट इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, इतनी बातों में किसी को दिक्कत? वायरस को तो हम लिविंग मानते ही नहीं ना बच्चे, है ना, वायरस को तो हम लिविंग मानते ही नहीं। बच्चा कह रहा है सर वायरस के केस में क्या होगा, तो ये बात क्लियर हो गई कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं, कि रिप्रोडक्शन होगा तभी हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बात, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम हैं, सेल डिवीजन से भाई एक से दो बने, है ना। अब बोलते नहीं बायोलॉजी इज द ऑनली सब्जेक्ट, या बायोलॉजी इज द ऑनली लाइक जो भी चीजें यहां पर हम कर रहे हैं, तो इट इज द ऑनली सब्जेक्ट जिसमें डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, यस और नो, ये बात मानते हो या नहीं? मल्टीप्लीकेशन किस जो है साइंस में, इट इज ऑनली साइंस इन विच डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, सेल डिवाइड करके दो बना गया मतलब सेल मल्टीप्लाई कर गया, यस और नो? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना बहुत ही ध्यान से। डिफाइनिंग के पास एक्सेप्शंस होते हैं ना? नहीं, प्लीज इस बात को समझो अनमोल, डिफाइनिंग में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। बट मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, हेंस नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर। क्या मेरी बात याद रखें, नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर, कोई डाउट? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ या ना? डन, लगा लूं बातें, समझ लूं। अगली बात करते हैं, यस, मेटाबॉलिज्म। बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस, बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपकी इसी चैप्टर की क्लास कितने बजे लगाई है? 11 बजे, 11:10 पे लगाई है, आ जाना है ना, 12 बजे तक टेस्ट कर लेंगे, तो एक रिवीजन हो जाएगा और ये डेली चलेगा, 7:30 बजे पढ़ाई, 11 बजे स्पेशल क्लास, ठीक है ना। दो चीजें याद कर लो अगर समझ रहे हो मेरी बातें, तो 7:30 डेली आ जाओ सुबह, 8:30 तक पढ़ेंगे यूट्यूब पर, और इसमें हम कंप्लीट 11th कर रहे होंगे, है ना, और 8 जो है ये सॉरी 11 o'clock आ जाओ, फिर 12 बजे तक हम उसकी स्पेशल क्लास कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम? सेम हम रात में करने वाले हैं, रात में 8:30 बजे आ जाओ, मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाना मेरे, 8:30 बजे आ जाओ, 9:30 तक पढ़ेंगे यूट्यूब पर, और इसमें हम 12th करने वाले हैं, और इनफैक्ट इस टाइम टर्म 1 के नाम पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी सिस्टमेटिक वे है, लेकिन उसको नीट वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रात में 10 से 11 गंदा लिख गया PM, हम उसी की स्पेशल क्लास करेंगे। तो मुझे लगता है ये शेड्यूल तुमको समझ में आ गया, और अगर तुम प्लस के बच्चे हो, प्लस के बच्चे हो, तो मैं 6 तारीख से एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाला हूँ, शाम को 7 से 8 प्लस की क्लास, याद रखेंगे ना इस बात को, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो भी बॉडी में होते हैं, भाई हमने खाना खाया, मान लो हमने रोटी खाई, रोटी डाइजेस्ट हुई, हाँ जी, दैट कंटेन्स स्टार्च, रोटी क्या हुई? डाइजेस्ट हुई,
अच्छा, डाइजेशन के बाद स्टार्च बना, स्टार्च से फिर फर्दर डाइजेस्ट हुआ तो ग्लूकोज बना, यस और नो? उससे क्या बना बच्चों? ग्लूकोज बना। अब इस बात को और अच्छे से समझना होगा तुम्हें, ये जो ग्लूकोज है ये कर फर्दर और ब्रेक डाउन हुआ सेल के अंदर, इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हुआ, अगर आपको पढ़ा हुआ है आपका, है ना, ग्लाइकोलिसिस है ना, साथ साथ में और क्या? हाँ जी, ग्लाइकोलिसिस के अलावा यहाँ पर लिंक रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर क्रेब साइकिल होते हैं। बातें समझ पा? तो ये जो सारी चीजें हमारी यहाँ चल रही हैं, आप देखो इससे हम 38 ATP बना पा रहे होते हैं क्या? इससे हम 38 ATP बना रहे होते हैं, रिएक्शन ही तो चला। तो ऑल दी बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के बिना कोई सर्वाइव कर सकता है? चाहे वो कोमा पेशेंट ही क्यों ना हो, नहीं समझा? अगर कोई जिंदा है ना, इंक्लूडिंग कोमा पेशेंट, इंक्लूडिंग कोमा पेशेंट, इट इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। बातें समझ पा रहे? डिफाइनिंग मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोमा हो, चाहे कोई बीमार हो, पड़ा हुआ हो, चुपचाप लेटा हुआ हो, बोल भी ना रहा हो, तब भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो चलेंगे, येस और नो? दैट्स व्हाई इट इज डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है। एनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर, बट एनी डिफाइनिंग फीचर विल ऑलवेज बी, या एनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर मे बी अ डिफाइनिंग फीचर, बट एवरी डिफाइनिंग फीचर इज ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये कंसेप्ट को समझ लो, ध्यान से समझ लो, जहाँ डाउट हो चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, किसी बच्चे को अभी तक कुछ पूछना है? किसी भी बच्चे को मेरे यहाँ पर अभी तक कुछ भी पूछना है तो मुझे जरूर बताएगा, तो मुझे जरूर से जरूर बताएगा। डन है? चलो, आई एम वेटिंग कि चैट पे बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करें। अगली बात करते हैं, क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ सेल के अंदर होता है? ना ना ना, हमने किसी पेट्री प्लेट में, पेट्री प्लेट पता है ना, लैब में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, वो एक ग्लास की प्लेट होती है, वी कैन कॉल इट एज पेट्री डिश या पेट्री प्लेट, जो भी आप कहना चाहो, पेट्री डिश। इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है और इसके अंदर हम क्या ग्रो कर रहे होते हैं बच्चों? इसके अंदर ग्रो क्या कर रहे होते हैं? बातों को समझो, तो इसके अंदर हम कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इनफैक्ट जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन ऑब्लिक प्लांट सेल, इसको भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे बहुत सी स्किन वगैरह इसी के अंदर ग्रो करवाई जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है, आउटसाइड द बॉडी हमने केमिकल रिएक्शंस करवाया एंड वी कॉल इट एज सेल फ्री सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं दे ऑलवेज अकर इनसाइड द सेल? नेवर, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ये सेल के बाहर भी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, अगर 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 सुनो सुनो, मैंने एक मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाया तो वो कैसा प्रोसेस हुआ? क्योंकि आउटसाइड द इन्वायरमेंट है, आउटसाइड द बॉडी, उसको बोलते हैं इन विट्रो। अगर बॉडी के अंदर होता तो उसको बोलते हैं इन वीवो, वर्ड को याद रखिए। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मतलब इन पेट्री डिश, ये चीज नोट कर लेंगे। अभी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको, इन लेबोरेटरी लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है, इन लैब। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर इन विट्रो, मतलब जो इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल, इन लैब, आउटसाइड द बॉडी, बट नॉट लिविंग थिंग्स। बात समझ पा रहे? दे आर नॉट अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग क्योंकि मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बहुत सी चीजें, बट दे आर लिविंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको जो समझ गया इसका मतलब उसको पूरा फोकस है कंसेप्ट को समझने के लिए। प्रीति का क्वेश्चन है, सर कोमा पेशेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है? मुझे एक चीज बताना, बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ तुमसे बच्चे, प्रीति
कोमा पेशेंट क्या केमिकल का रिस्पॉन्ड करता है? आप कहोगे हाँ, दवाइयाँ देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव है, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं तो जिंदा है, उसके अंदर सांसें चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं सांस बंद हो गई, मतलब उसके अंदर भाई किसी आदमी की सांस चल रही है, जिंदा मानोगे मरा मानोगे, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब चल रहा है, और इन सारे पाँच छः प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी किसी के अंदर हो, डिफाइनिंग फीचर वाली प्रॉपर्टी, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। कोमा पेशेंट ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। किसी को कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को जरा सा भी डाउट है, तो यू कैन आस्क मी अभी क्या भी, कोई कंफ्यूजन नहीं, मानू इतनी बात। चलो एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसकी बात कर रहे हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिना सेल के बनेगा ही नहीं, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो ज्यादा सेल हो, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो ज्यादा सेल हो, बातों को समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। अभी तक बच्चों हमें दो डिफाइनिंग फीचर्स मिल चुके हैं, एक तो हमने किसके बारे में समझा, मेटाबॉलिज्म, और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात। एक और वर्ड यूज करते हैं चलो, और काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्या? कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे समझो, मैं आपको दो वर्ड सिखाना चाहता हूं, एक कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस, और एक वर्ड है क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस। अच्छा मेरी बात को समझना, हम चाहे एक बंदर चाहे एक चींटी, ये अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, हाँ या ना? सीधी सी बात, मतलब अगर इस जगह पर आग जल रही है तो क्या हम या बंदर या चींटी यहां जाएंगे? इसका मतलब हमें पता है इस चीज की फील होना कि आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, टेम्परेचर है ना, वाटर, ये सारी चीजें केमिकल हैं, पॉलिटेंट हैं, अगर इस पर कोई रिस्पॉन्ड करता है तो उसको बोलते हैं क्या? कॉन्शियसनेस। बट ये कॉन्शियसनेस एक कोमा पेशेंट में नहीं होती है, ये कॉन्शियसनेस एक कोमा पेशेंट में बच्चों नहीं होती है। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो स्पेलिंग देख लेना, फीचर तो है ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ यार, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? बोलो बच्चों। चलो जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात, कहानी आपको यहाँ समझ में आ रही है ना, कहानी यहाँ आपको समझ में आ रही है। अब ये चीज अगर समझ में आ रही है तो अब दोनों वर्ड को मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो ये मतलब ये लिविंग की प्रॉपर्टी है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है कॉन्शियसनेस। बट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, वर्ड यूज करते हैं आपके एनसीईआरटी की, है ना, बात कर रहे हैं, अगर हम अवेयर हैं सारे एनवायरमेंट की प्रॉपर्टीज से तो हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली वर्ड यूज किया जाएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस पर। किस पर? सेल्फ कॉन्शियसनेस पर ये वर्ड यूज किया जाएगा। थोड़ी सी चीजें एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग दे रखी हैं बट फॉलो एनसीईआरटी को ही करना है ना, तो हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट द थिंग इज, ओरिजिनल बात क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे समझो, एक रूम है उसमें दो लोग बंद कर दिए है ना, मान लो उसमें एक मैं बंद हो गया और एक उसमें एक शेर बंद हो गया ठीक है ना, तो एक लायन लगा लो और एक ह्यूमन लगा लो है ना, एक ह्यूमन लगा लो ठीक है, एक रूम में बंद है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइट चली गई है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो शेर इधर उधर घूमेगा, फिर चिल्लाएगा, चिल्लाने मतलब वो जो उसका होता है
रोर बोलते हो, क्या बोलते हो, दहाड़ना। बट ह्यूमन जो करेगा वो सीधे जाकर एसी चला देगा, हाँ या ना? आप उसको अवेयर हो कि उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये टेक्निकली डिफाइनिंग फीचर है। बट ठीक है, हम कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो ह्यूमन आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देर आर थ्री थिंग्स। पहला मेटाबॉलिज्म, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये मेटाबॉलिज्म। दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा कॉन्शियसनेस। देर आर थ्री डिफाइनिंग फीचर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हाँ या ना? किसी भी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे अभी के अभी बता दे, जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे अभी के अभी बता दे, क्योंकि आज का टॉपिक हम यहीं पर रख रहे हैं, है ना? आज का टॉपिक हम बस यहीं तक रख रहे हैं ताकि आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। कल, अच्छा, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आज पूछे जाएंगे, तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो भी बेसिक बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में, कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करें, तो हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, है ना? आज के लिए प्रॉपर इतना ही रखते हैं। चीज़ें बहुत हैं, बहुत पढ़ने वाली हैं, बट लास्ट में वही, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। दो तीन चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। पहली बात, मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लो, क्योंकि आपको इसी का टेस्ट 11 बजे मिलने वाला है। पहली बात, अभी अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं और टर्म वन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ लो, या फिर यूट्यूब के नीट रैंकर बायोलॉजी 360, ये टेलीग्राम का चैनल है जो सबसे, वो ये यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट टर्म वन रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जूलॉजी करवाऊंगा रात में 8:30 बजे, ठीक है ना? रात में 8:30 बजे आपको यहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ पर भी मुझसे मिल सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो यूज़ द कोड ATSIR और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाते जाएं। रोज ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, रिवीजन करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को बेहतर बनाते हैं। तो बाय, और मिलते हैं 11:10 में, जिसमें आपको ये टॉपिक पढ़कर आना है बस, ठीक है? चलो बाय बच्चों।